नमस्कार दोस्तों, मिंटू ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे राम वन गमन परिक्षेत्र। देखिए राम वन गमन पर्यटन परिपथ नगरी सिहावा, यहाँ पर पूरा चित्रण किया जा रहा था कि भगवान राम कैसे आए, कौन से ऋषि, कौन से आश्रम कहाँ पर है, ये पूरा चित्रण किया जा रहा था। और बहुत ही अच्छा कॉटेज रुकने के लिए यात्रियों के लिए और रेस्टोरेंट भी बनाया जा रहा था, जो आपको हम पूरा दिखाएंगे किस प्रकार बन रहा था। व्लॉग में बने रहिए, हम पूरी जानकारी देंगे। ये है महर्षि अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि के बारे में जानते हो डुगू? हाँ बताइए। अपने हाथ को पकड़ा और पूरा समुद्र का पानी पी गए। अच्छा इतना? हाँ। एक अंजली में? हाँ। क्या बात है। अगस्त ऋषि कौन है? अगस्त ऋषि ऋषि है, सप्त ऋषियों में से एक ऋषि, एक ऋषि है और महादेव की शिष्यों में से सबसे श्रेष्ठ कहना चाहिए प्रिय शिष्य थे। चलिए और चलते हैं। इसकी मीटिंग नहीं मानू, माना जाता है कि ब्रह्म ऋषि और श्रृंग ऋषि के दादाजी हैं अगस्त ऋषि। इनके पिताजी का नाम था विभांग मुचुकंद ऋषि। इनका भी आश्रम बहुत बड़ा है उधर मुचुकंद ऋषि का आश्रम। हाँ मुचुकंद पर्वत या कैसे कुछ, सभी ऋषियों का आश्रम यहाँ बना हुआ है सिहावा क्षेत्र में। अलग अलग जगह सभी सात ऋषियों कर्क ऋषि आश्रम, हाँ ये भी है दुधावक पास कर्क ऋषि आश्रम जिसे केकड़ा ऋषि कहते हैं। ये छत्तीसगढ़ शासन कहना चाहिए कि पहले जो कांग्रेस सरकार थे उनके प्रोजेक्ट में शामिल था वन गमन परिक्षेत्र, तो उनको वो चाहते थे कि जहाँ जहाँ राम भगवान गए थे उस जगह को वो इधर 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 अंगिरा ऋषि, तो वन गमन पथ के एक यहाँ मॉडल तैयार कर रहे थे। पूरा बताया गया था कि कैसे कहाँ कैसे आए भगवान राम, उसको यहाँ दर्शाने के लिए यहाँ बहुत ही अच्छा जगह बना रहे थे। लेकिन ये सब अधूरा पड़ा हुआ है, जब अब ये भाजपा सरकार आ गई तो पता नहीं ये पूरा होगा कि नहीं, अब ये पता नहीं। लेकिन कमेंट्स करके जरूर बताएं कि इसको पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि शासन किसी का भी हो जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए भाई। ऐसा थोड़ी ना कि अधूरा पड़ा रहे, आखिर इतना पैसा बर्बाद हुआ है इसमें, पता नहीं लाइटिंग झरना बन झरना होगा शायद। ये कितने फीट का है देखो, बीस फीट होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर लिखा है राम वन गमन पर्यटन परिपथ योजना अंतर्गत श्री राम वाटिका एवं अधोसंरचना विकास कार्य का लोकार्पण ग्राम पंचायत मुकुंदपुर विकास खंड नगरी जिला धमतरी श्री भूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन मुख्य अतिथि में श्री टी एस सिंहदेव। देखिए भगवान श्री राम का प्रतिमा कितना बड़ा है यहाँ, शॉर्ट वीडियो ले लेते हैं। खटारा कर गई।
शहर का मार्ग दृश्य बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ से। जब ये डेवलप हो जाएगा तो और बहुत ही प्यारा लगेगा। महर्षि श्रृंग ऋषि अच्छा मतलब ना उनका छाया भी बनेगा और छाया भी बनेगा प्लस उसके देखो दिख रहा है क्या लिखा है इसमें। श्रृंग ऋषि छत्तीसगढ़ में सिहार क्षेत्र ऋषि मंडल के नाम से विख्यात है। यहाँ श्रृंग ऋषि का प्रसिद्ध आश्रम है, इसी कारण इस क्षेत्र को सिहावा के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार श्रृंग ऋषि मृगी से उत्पन्न हुए थे, मतलब मृगी मतलब कि वो हिरनी उत्पन्न हुए थे, उत्पन्न हुए इस कारण से माथे में एक सिंह था इसलिए इसका नाम श्रृंग पड़ा। मान्यता है कि राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ हेतु श्रृंग ऋषि को अयोध्या बुलाया गया था। यज्ञ के पश्चात रानी कौशल्या के पुण्य प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। वनवास काल के समय प्रभु श्री राम श्रृंग ऋषि आश्रम में आकर ठहरे थे। श्रृंग ऋषि प्रभु श्री राम के बहनोई थे। उनका विवाह राम जी से बड़ी बहन शांता के साथ हुआ था। जाता है कि ऋषिवर सिहावा पर्वत में तप कर रहे थे, तभी कमंडल से जल गिरकर नीचे बहने लगा और नदी का रूप लेकर प्रवाहित होने लगी। ये पौराणिक महानदी ही है जो सिहावा पर्वत के नीचे एक छोटे से कुंड से निकलती है। छत्तीसगढ़ में महानदी चित्रोत्पला के नाम से जानी जाती है। ये एक झर ऋषि के भी बांझ गई। सभी चीज अधूरा पड़ा हुआ है यहाँ पर। देखिए रुकने के लिए यहाँ पर गेस्ट हाउस भी बन रहा था पूरा। यहाँ पर रुके यहाँ पर है भी चलो ये पूरा दिख रहा है। देखो ये पूरा अधूरा पड़ा हुआ है बन। देखिए ये मूर्ति का अधूरा पड़ा हुआ है, पैर बन रहा है, ये सब अधूरा है। हाँ पैर है क्या जी? हाथ है। अच्छा हाथ है बोल रहा है यो गांव से। भगवान श्री राम तो पूरे हो चुके हैं ये देखो, ये और कुछ अधूरा है, सब पड़ा हुआ है। महर्षियों का बना रहे थे, पूरा अधूरा अधूरा पड़ा हुआ है यहाँ पर पत्थर। ये देखिए पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ है, पत्थर पूरा पड़ा हुआ है। देखिए पता नहीं जी सब बन रहा था, पूरा अधूरा पड़ा हुआ है। देखिए नमस्कार दोस्तों, मिंटू लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे राम वन गमन परिक्षेत्र। देखिए सरकार बदल गई तो प्रभाव पड़ी, मतलब प्रभाव पड़ा थे पर आप मन का करते नहीं क्या? नहीं ऐसे काम करना काम करवाते नहीं। तो ये अधूरा पड़े है तो कैसे पैसा वैसे मिला थे? पैसा नहीं मिल पाए ना अभी तक, पूरा पैसा कांग्रेस से रुक गए, पैसा कारण रुक गए है। कोई पैसा ठेकेदार में लगा ले नहीं दे है, ठेकेदार फिर ठेकेदार में पैसा नहीं दी तो लेबर कहां काम करे? मूर्ति मन भी मूर्तिकार मन भी बाहर से आ रही होगी, ये मन सब बाहर से आए हैं। ये पहले मूर्ति नहीं बाहर से लाए है, किंचाक बनाते हैं। नहीं नहीं ये तो बाहर से आए हैं सब मूर्ति, बाहर से आए हैं। तो सब स्ट्रक्चर पूरा बंद, पैसा भी ना सही बात है, लेबर ला
8 दिन 10 दिन में पैसा चाहिए, मजदूर आदमी लगे, पैसा रोक दी तो कौन है दी, कौन काम कर दी। तो आप क्या कहना चाहो कि ये भाजपा सरकार भी प्रोजेक्ट ला कंप्लीट करवाना चाहिए है नहीं? हाँ, सरकार बदल गई, मतलब ध्यान देना जरूरी है, जो पैसा लगे आधा तो रख गए, ये आधा बचे वाला कंप्लीट करना जरूरी है। जतका दिन अभी चले हैं, लगभग 2 साल हो गए काम, यहाँ 2 साल और लग गए यहाँ काम, अभी पूरा काम अधूरा है ना, पूरा ऊपर बाउंड्री हो ही। ये कौन सी जगह है? ये देवपुर, देवपुर ना, देवपुर के नाम से जान, देवपुर, देवपुर है। ये सिहावल करना दूरी है? ये 4 किलोमीटर सिहाव यहाँ से, 4 किलोमीटर नगरी यहाँ, 4 किलोमीटर सिहाव। कौन देखा तेरी से पूरा मामला? एला दो जन रही ठेकेदार, एक जन मोर भतीजा रही से, एक जन मोर प्यार से संजय नाम के, एला भी बना है मोर लड़का कले रही से, एला हाँ क्या ऐसी धन्यवाद। आपके कहाँ नाम? काशी राम। कहाँ से हो आप? रानी गांव से। मिस्त्री हो? नहीं नहीं, देख रेख करने वाले।